है जी, ये भी गली बिल्कुल फ्रंट है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। बाद रखे इसी दुआ के साथ आज के ब्लॉग का आगाज़ करती हूँ। दो तीन दिन मेरे घर बहुत टेंशन थी मेरे हस्बैंड की तबीयत की वजह से और ऊपर एक्सीडेंट की वजह से। आज अल्लाह का शुक्र है कुछ बेहतर हैं, हम लोग घर हैं। तो आज मैं अपने हस्बैंड के लिए, अपने फैमिली के लिए बना रही हूँ चाय और साथ हम लोग करेंगे अभी ब्रेड और चाय का नाश्ता। और उसके बाद जी मैंने साथ ही खाना रख दिया बनने के लिए। और खाने में मैं बना रही हूँ मटर और कीमा और आलू मैंने दो तीन डाले हैं। सिर्फ ये मैंने काली मिर्चों में बनाया है क्योंकि मेरे हस्बैंड ने वो नहीं खाना, लाल मिर्च नहीं खानी। और सिर्फ मैंने ये ब्लैक पेपर में ही बनाया है और ये बहुत मज़ेदार बनता है। इसमें सिर्फ काली मिर्च और नमक डाल के बना लें इस तरह करके, तो ये ना चले बच्चे भी खा लेंगे और मेरे हस्बैंड भी खा लेंगे। और उसके बाद आप सबसे का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे हस्बैंड के लिए बहुत सारी दुआएं की हैं कि अल्लाह ताला मेरे घर को आबाद रखे, मेरे हस्बैंड को अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और काइंडली आप मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आगे भी रूटीन जो आप लोगों के साथ इसी तरह शेयर करती रहूँगी। तो आप सब मेरे लिए खसूसी दुआ में मुझे याद रखिएगा। तो हाँ जी, ये हम लोगों ने अपना कमरा नीट कर दिया था। अभी मैं नहा के बैठी तो ये टावल गीला था तो मैंने कहा इसको बाहर फैलाती हूँ। और मानूर बैठ के पढ़ रही थी क्योंकि मानूर के ना फर्स्ट मई को ना पहला पेपर है तो उसकी वो तैयारी कर रही है। और बाकी ये जी भी हम लोगों ने सारे सेट कर दिए हैं और किचन में चलते हैं, देखते हैं हमारा खाना कहाँ तक पहुँचा है और कितना रह गया है हंडिया का काम, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड अभी रोटी भी बना के देनी है बच्चों को भी। और टी वी में उनकी लाइट बंद की हुई है बच्चों ने और ये तो बस हम लोग रिंग लाइट ही जला लेते हैं ना तो हो जाते हैं। मैं इसमें से निकाल लूँ कुछ चीज़, आटा निकाल लेते हैं क्योंकि मैंने बनानी है रोटी, तो ये मैं आटा निकाल रही हूँ। और अभी चलते हैं किचन में और किचन को देख लेते हैं। किचन अभी मैंने सारा साफ़ कर दिया है और मैं मानूर से कह रही मुझे चाय गर्म कर दो। बेटा गर्म है, आपने क्यों उठाया इतनी जल्दी? तो इसमें मैंने जी थोड़ा सा डाल दिया था पानी, तो आप छोड़ो मैं करती हूँ, चलो आप कर लो। तो अभी ये ना इसमें ना मैंने थोड़ा सा लगा दिया था पानी, मैंने कहा चले मटर और आलू भर जाए, चिकन तो आपको पता है जल्दी हो जाता है। तो ये जी हमारा सालन रेडी हो चुका है, मटर चिकन और आलू। बाहर का दिखाती हूँ आज बाहर और ना बाहर का मौसम आज बहुत अच्छा हुआ है। तो आज हल्की हल्की धूप है, इतनी धूप नहीं, आज धूप है लेकिन इतनी हल्की हल्की, इतनी ज़्यादा धूप नहीं है और मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है। और मेरी बड़ी सिस्टर कहती हैं कि आप हर वक्त अपना ना दरख्त दिखाती रहती हो तो ये इतना अच्छा लगता है मुझे। ये देखें इसकी पिक भी बनती है और इतना प्यारा लगता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह अब तो फल काफ़ी बड़ा हो गया हुआ है, तो वो भी इंशाल्लाह ताला ज़रा कुछ और हो जाए फिर आप लोगों को दिखाऊँगी इंशाल्लाह। दोबारा आ गई हूँ टी वी लॉन में और अभी करते हैं इसकी खाना दे लूँ बच्चों को, तो बाकी पीते हैं चाय शाम की साथ, पहले खा लेते हैं खाना। तो ये जी हमारा घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हुआ हुआ है। और अभी मैंने इधर पढ़ी थी नमाज, तो अक्सर मैं नमाज पोश होने के बावजूद ना मैं नमाज ना नीचे ही पढ़ती हूँ, मुझे नीचे अच्छा होता है लेकिन कभी कभी पढ़ भी लेती हूँ। ज़्यादातर नमाज हम लोग नीचे ही पढ़ते हैं। और रेडी हो चुका है आलू कीमा और मटर और साथ मैंने रोटी बनाई है। हाँ जी, ये मैं जा रही थी हॉस्पिटल में, मेरी तबीयत मैंने बताया था बहुत ख़राब हो गई, मैंने खाई थी ब्लड प्रेशर की दवाई, उससे मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो गया था, मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे तो मुझे यहाँ हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। तो अभी मैं जा रही थी हॉस्पिटल में और साथ ही मेरी मानूर ने मोबाइल पकड़ा हुआ था तो वो बना रही थी वीडियो और तबीयत बहुत ख़राब थी। तो हॉस्पिटल भी यहाँ से जो हमारा जिस पर मैं अक्सर जाती हूँ तो दूर था, तो मैंने कहा चले आप लोगों को भी दिखाते हैं अपना सिटी। और यहाँ से हम लोग जा रहे थे, शाम का टाइम था, 3:30 बजे का टाइम था जो कि हम जा रहे थे। और अल्लाह का लाख लाख बहुत शुक्र है, मेरे हस्बैंड की तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर है। और बाकी आज की रूटीन जो थी आप लोगों के साथ शेयर की है और बाकी आगे भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें भी जो हम मेहनत कर रहे हैं अल्लाह ताला हमारी मेहनत को कामयाब करें। और ये जी बस थोड़ा सा फासला रह गया था हॉस्पिटल का, तो अभी वो जो उसका फ्रंट वाला क्लिप था वो आप लोगों ने पहले देख लिया है। तो ये बस हम पहुंचने वाले हैं हॉस्पिटल में।
गर्मी काफ़ी हो गई हुई है, घर में महसूस नहीं होती गर्मी, लेकिन बाहर जब निकलते हैं ना तो गर्मी महसूस होती है। बहुत ज़्यादा गर्मी थी और दिल इतना घबरा रहा था, कुछ खाया पिया नहीं था, जा रहा बीपी बहुत लो हो गया हुआ था, तेज़ होने के साथ साथ ना हो जाता। ये इधर वारिस हॉस्पिटल है, अक्सर मैं अपने हस्बैंड को लेके इसी हॉस्पिटल में आती हूँ और इनका ना जो हमारे सिटी का ट्रीटमेंट होता है ना वो इधर से ही हो जाता है। तो ये वारिस हॉस्पिटल बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, तो मैंने जहाँ जाना था वो राहत हॉस्पिटल था, तो वहाँ जा रहे थे हम लोग। और इधर जी जाते मुझे लग गई थी ड्रिप और मैं ड्रिप लगवा रही थी। और ये था मेरा आज का ब्लॉग, तो आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरे लिए मुझे बताइएगा और दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।